प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के ठहराव गोरखपुर से कप्तानगंज थावे गोपालगंज होते हुए छपरा जाने वाले ट्रेनों की संख्या बढ़ाने सजनवा दोरीघाट रेलखंड के मंजूरी के बाद भी काम शुरू नहीं किए जाने फरेंदा महाराजगंज तक नई रेल लाइन बिछाने सहित रेलवे से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने पूर्व महासचिव अशरफ आलम खान के नेतृत्व में रैली निकाला तथा अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक को प्रेषित किया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेसी नेता अशरफ आलम खान ने बताया। हम झूठ नहीं बोलेंगे, आप जान लीजिए। मोबाइल से पूछ लीजिए, आपको गलत नहीं बताएंगे। आप कुछ देर वेट कर लीजिए, जा रहे हैं। हम कहें इस टाइम से आइए, दो मिनट रुकिए, दो मिनट। आपकी व्यवस्था में हम सहयोग बिल्कुल ये दीजिए। सीएम के यहाँ अशरफ आलम खान, मैं कांग्रेस का जिला भूतपुर महासचिव। बताइए किस मांग को लेकर आप यहाँ महाप्रबंधक जी? हमारे 8 सूत्री मांग हैं और इसको हमने जो है 19 तारीख को जीएम ऑफिस में और सीपीओ ऑफिस में रिसीव करा दिया है। और इसके पहले इन समस्याओं के बारे में हमने सीपीटीएम महोदय को 3 वर्ष के बीच में कई बार ज्ञापन पत्रक दिया, लेकिन वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला। तो हमें शांतिपूर्ण मौन प्रदर्शन, हमने कोई नारा नहीं लगाया है, हम शांतिपूर्ण, क्योंकि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं और कल महात्मा गांधी का जन्मदिन भी है, उनकी पूर्व संध्या पर हम ये मौन प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि रेल प्रशासन को हम जन भावनाओं से अवगत करा सकें। गोरखपुर से थावे ये बड़ी लाइन प्रोजेक्ट पूरा हुए कम से कम 5 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन अभी तक उस पर जो ट्रेनों की स्थिति होनी चाहिए, उसकी संख्या बढ़नी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, वो बिल्कुल नाम मात्र का भी नहीं है। इसलिए उस क्षेत्र की जनता में व्यापक असंतोष है। कांग्रेस ने इसको संज्ञान में लिया और हमने ये निर्णय लिया कि हम महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलकर शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जितना गोरखपुर से देवरिया और ये जो लाइन मेन लाइन है, इस पर ज़्यादा संख्या में गाड़ियाँ चलती हैं, अगर उन गाड़ियों को इधर रैक की कमी है तो इधर छपरा जो ये नई रेल लाइन थावे वाली बनी है, इस पर उन कुछ गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए तो ये समस्या हल हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि जो थावे और छपरा पैसेंजर गाड़ी चलाई जा रही है, उसका सेवा विस्तार कर दिया जाए, उसको गोरखपुर से चलाया जाए, ये हमारी मांग है। और एक प्रमुख मांग ये है कि जो आनंद नगर से महाराजगंज को रेल लाइन से जोड़ना था, वो कार्य काफ़ी दिन हो गया लेकिन अभी तक उस पर कार्य शुरू नहीं हुआ। इसी तरह से पनियावा छितौनी धनहा होते हुए तमकोही रोड की बड़ी लाइन परियोजना, अभी तक उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से सरदार नगर हेतिमपुर कुशीनगर और ट्रेन की लाइन थी, हाँ, जो सरदार ट्राम्बे गन्ना, सरदार जी का ट्राम्बे जिस पर गन्ना जाता था, उसको शायद रेल परियोजना जो है वो एक बड़ी लाइन बनाने का प्रस्ताव था, अगर उस पर काम शुरू हो जाए तो बौद्ध पर्यटकों के लिए, जो बाहर से विदेशी पर्यटक आते हैं थाईलैंड वगैरह से, तो कुशीनगर जाने में आसानी होगी। ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसी तरह से सजनवा दोहरीघाट, ये अगर रेल लाइन का प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो इससे पूर्वांचल का त्वरित विकास होगा, क्योंकि रेल का विकास जो है वो देश के विकास से जुड़ा हुआ है।